प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और फिर एक क्विक और स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रीटिंग और एक इंट्रोडक्शन जो क्लाइंट ने बात की हुई थी, पहली जुमला आपका क्या होना चाहिए वही जो क्लाइंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसी को अपने लफ्जों में दोबारा लिख देना। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है आई एम लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल वर्डप्रेस डेवलपर, तो आपने उसी के जुमले को लिख देना है कि यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल वर्डप्रेस डेवलपर, यू नीड एन अफोर्डेबल वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, यू अप्रोच से होना चाहिए हमारा कंप्लीट प्रपोजल, कभी भी आई अप्रोच से नहीं होना चाहिए। ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है। पहली बात समझ आ गई, यानी ओपन कहाँ से करना है हमें प्रपोजल, हमेशा क्लाइंट के प्रॉब्लम से ओपन करना है, उसके प्रॉब्लम को रीस्टेट करना है। अच्छा, फिर यू अप्रोच से क्या मुराद है, यानी इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम अ वेरी प्रोफेशनल, आपने कहना है यू नीड समबडी विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, you need a professional, you need somebody with years of experience, you need a pro, you need an expert।